नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान चैनल की रूपरेखा हम किसान चैनल के विचार से साकार होने की यात्रा तो करेंगे ही, साथ ही दूरदर्शन किसान चैनल के गुलदस्ते में आपके लिए क्या है इसे भी जानेंगे। दूरदर्शन किसान इस देश के गांव देहात किसानों, कारीगरों, बुनकरों, ग्रामीण महिलाओं को समर्पित 24 घंटे का चैनल है। और इसकी आवश्यकता क्यों हुई ये तो हम जानते ही हैं, नहीं जानते? चलिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, बहुत शुरू से ही शुरू करते हैं। सन 1798 में एक साहब हुए हैं जिनका नाम था थॉमस मालथूस। अब इतिहास ने उन्हें मालथूसियन कर्स यानी मालथूस के श्राप के नाम से अधिक जाना। मालथूस साहब ने कहा था कि धरती पर आबादी इतनी हो जाएगी कि इतना खाद्यान्न नहीं होगा कि लोगों को दे सकें और लोग भूखे ही मरेंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मालथूस के श्राप को रोकने के लिए खड़े थे हमारे किसान। थोड़ा नज़दीक आते हैं और बात करते हैं 1970 के दशक की। वहाँ पर विलियम पैडॉक और पॉल पैडॉक जो हैं दो भाई थे। अब इन पैडॉक बंधुओं ने क्या कहा, उन्होंने एक दुनिया का पूरा खाका तैयार किया और जो खाद्यान्न की उस समय स्थिति थी उसको देखकर उन्होंने एक रोड मैप बनाया और ये तय किया कि किस देश को मदद चाहिए और किसे नहीं चाहिए। फौज की तरह जैसे होता ना काम, बस वैसे उन्होंने किया और ऐसी सूची बनाई कि भाई ये ऐसा देश है इसको खाद्यान्न देकर बचाया जा सकता है और ये ऐसा देश है जिसकी मदद नहीं करनी चाहिए। और कुछ देश बेचारे सैनिकों की तरह घायल हैं, थोड़ी मदद करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने भारत के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस देश की कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी आबादी के बोझ तले ही दबकर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, खुद ही मौत के मुँह में चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस देश के किसान और कृषि वैज्ञानिकों के तप से आज देश में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन हो रहा है। भुखमरी और हमारे अस्तित्व के बीच खड़े हैं हमारे किसान, और इन्हीं किसानों को समर्पित है दूरदर्शन किसान। चलिए दूरदर्शन किसान चैनल की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। किसानों की आवाज दूरदर्शन किसान चैनल की सोच को साकार करने में कई किसान संगठनों, संस्थाओं, नीति निर्धारकों का बड़ा सहयोग रहा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सपने को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। सरकार के आने पर किसानों के लिए 24 घंटे चलने वाला एक चैनल लाने की तैयारी शुरू हुई। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के मीडिया सेंटर में दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि पत्रकारों और करीब 14 मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। वैसे दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से और आकाशवाणी से भी सालों से किसानों के लिए एक घंटे का, आधा घंटे का रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम बनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब ये कल्पना थी कि किसान के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा कि जो किसान के जीवन के बहुत आयाम है, सबको छुएगा। बैठक में दूरदर्शन किसान के सलाहकार नरेश सिरोही ने भी अपनी बात रखी। माने मोदी जी ने, माने मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और उसके लिए पहले ही बजट में एलोकेशन की 100 करोड़। तो देश भर में किसका संदेश गया है, जैसा माने मंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए नहीं, बाकी गांव में जो लोग रहते हैं उनको क्या करना है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है गांव में, एक तो किसान है जो खेती करता है, रोजमर्रा की उसकी परेशानियां हैं। उसके अलावा 40% लोग ऐसे हैं गांव में जो खेती से जुड़े हुए हैं। फिर किसान चैनल की टीम तैयार हुई और टीम ने सलाह मशविरा का दौर शुरू किया। प्रसार भारती, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने दूरदर्शन किसान चैनल की विषय वस्तु पर चर्चा की। साथ साथ कई तैयारियां दूरदर्शन में भी जारी रही और एक बैठक विषय को विस्तार से समझने और किसानों की जरूरतों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ पारंपरिक लोक कलाओं और सांस्कृतिक धरोहर का मंच कैसे बने दूरदर्शन किसान,
इस पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रसार भारती ने जल्द से जल्द किसान चैनल किसानों के बीच लाने के लिए दूरदर्शन की एक टीम का गठन किया। दूरदर्शन ने अपने क्षेत्रीय केंद्रों के प्रोड्यूसरों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों का जोश देखते ही बनता था। बैठकों का दौर भी चलता रहा, युवाओं की भर्ती हुई, किसानों से पूरा संपर्क बना रहा। कारीगरों, बुनकरों, महिला किसानों ने अपनी बातें साझा की। कई महीनों का मंथन चला और फिर किसान चैनल का एक प्रारूप तैयार हुआ। काफी लंबा वक्त कागजों पर लिखते और घंटों स्टूडियो में ही बीता, तो कई कंप्यूटरों का साथ रहा और एक एक ईंट जुड़ती गई और फिर तैयार हुआ दूरदर्शन किसान चैनल। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सपने किसान चैनल को साकार करने के लिए किसान चैनल की टीम ने 18-18 घंटे हर रोज काम किया बिना कोई छुट्टी लिए, और देश के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया, दूरदर्शन किसान चैनल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, किसान को उसके अधिकार का सपना, किसान का अपना मंच हो, किसानों की संपन्नता का सपना, देश को नई बुलंदियों पर ले जाने का सपना, और वो सपना साकार हो रहा है। चलिए एक बात पूछता हूँ, एक नया चैनल आने में कितना समय लग सकता है? अब आपसे बात तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी चैनल को लाने की योजना बनाने से लेकर उसे लॉन्च करने में करीब 3 से 5 साल तक लग जाते हैं, कई मामलों में तो इससे भी अधिक समय लगा। लेकिन आपको पता है किसान चैनल की अवधारणा से लेकर इसको लॉन्च करने में 1 साल से भी कम समय लगा। जी हाँ, 1 साल, विश्वास नहीं होता पर यह सच है। तो किसान चैनल की यात्रा आपने देखी, तो चलिए ये भी जानते हैं कि किसान चैनल के गुलदस्ते में हमारे लिए क्या सजा है। सुबह की शुरुआत होगी जीवन दर्शन से। दूरदर्शन द्वारा खेदी लोगों का शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद, विशेष रूप में खेदी बिना खाना नहीं है, इसलिए खेदी के लिए, खेदी वालों के लिए बारिश अच्छा होकर के खेदी लोग अच्छा होना, ठीक होना आशीर्वाद आशीर्वाद। आधुनिकता की दृष्टि से अगर कोई प्रकल्प सचमुच में परिणाम में विस्फोटक न हो तभी उसे अपनाने की आवश्यकता है। मेरी भावना है कि यह किसान चैनल अपने लक्ष्य के अनुकूल, समाज के उत्कर्ष में, किसानों के हित में और सबके पोषण में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो। दूरदर्शन किसान चैनल अगर शुरू करने जा रहा है और वो किसानों के हित में है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस चैनल को, ख़ास तौर से जो किसान चैनल आप इसके अंदर ऐड करके जारी करने जा रहे हैं, किसानों के हित में करने जा रहे हैं, इसको कामयाबी दे और मुल्क को आपके इस चैनल के ज़रिए किसानों को फैजियाब होने का मौका फराहम करके तरक्की के रास्ते पर गामजन करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से प्रसार भारती और दूरदर्शन जो चैनल हैं, इन्होंने जो डीडी किसान चैनल नया शुरू करना है उसके लिए ये पूरा स्टाफ गुरुद्वारा बंगला साहब में गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का आशीर्वाद लेने आया है। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा इस चैनल को हमेशा चढ़ती कला में रखे और इस चैनल के माध्यम से जो हिंदुस्तान का किसान है उसकी तस्वीर भी बदले और उसकी तकदीर भी बदले, प्रॉपर उसको अगवानी मिले कि उसको कैसे खेती बाड़ी करनी है। इसके लिए मैं फिर परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूँ,
कि गुरु महाराज पूरे स्टाफ को, पूरे चैनल को हमेशा चढ़ती कला में रखे और इस माध्यम से हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वी आर हैप्पी टू लर्न दैट दूरदर्शन इज लॉन्चिंग ए न्यू चैनल फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इट इज अ कमेंडेबल स्टेप। अध्यात्म, भक्ति और सेवा भाव से सजा हमारा कार्यक्रम जीवन दर्शन जीवन के संघर्ष में सुकून के दो पल देगा। फिर बात खेत खलिहान की। क्या कहते हैं आपके खेत, जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल, देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। आज खेत में क्या करें, क्या है कृषि में समसामयिक कार्य, कैसे ले अच्छी उपज, कैसे करें कीट नियंत्रण, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देगा हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। इस गुलदस्ते में हाथों के हुनर पर अपना जीवन जीने वाले उन कारीगरों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों की बातें भी होंगी। इसमें इन हुनरमंद हाथों का दर्द भी होगा, कुछ हंसी होगी तो कुछ आंखों के सपने होंगे। कार्यक्रम की कोशिश छूटे हाथों को फिर से मिलाने की होगी, इन हाथों को उनका हक दिलाने की होगी। लेकिन क्या किसान की बात उसके पशुधन के बिना पूरी हो सकती है? पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। पूरी दुनिया में आज भारतीय पशुओं की, खास तौर से गाय की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमारा किसान पारंपरिक तौर पर पशुपालक रहा ही है। हमारे कार्यक्रम हमारा पशुधन में पशुओं की नस्ल की जानकारी के साथ इनके प्रबंधन, रोगों से बचाव और सबसे आवश्यक कि बढ़िया नस्ल के पशु कहाँ से प्राप्त होंगे इसकी जानकारी रहेगी। लेकिन जब सब बात हो ही रही है तो किसान से सीधी बातचीत भी जरूरी है, तो इसके लिए है हेलो किसान। हफ्ते में 5 बार प्रसारित होने वाला हमारा कार्यक्रम हेलो किसान, किसान और हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों के बीच सीधा संवाद होगा। कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर के जरिए देशभर के किसान अपने प्रश्न पूछ सकेंगे और विशेषज्ञ इन सवालों के जवाब देंगे। पर खेती करें और मौसम के बारे में पूरी जानकारी ना हो, ये भला संभव है? खेती किसानी हमेशा से ही मौसम पर निर्भर रही है और मौसम खबर में किसानों को मौसम की जानकारी के साथ मौसम आधारित कृषि सलाह भी दी जाएंगी। और हाँ, मंडी खबर भी है। किसान की मेहनत तभी सफल होती है जब उपज के सही दाम भी मिलें, और इसके लिए सबसे जरूरी है देश की विभिन्न मंडियों में मिल रहे जिन्सों के भाव की जानकारी। गांव देहात के विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनकी जानकारी के अभाव में कुछ गांव पीछे छूट गए हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं और उनका लाभ लेने वाले गांवों के बारे में आप जानेंगे चौपाल चर्चा में।
चौपाल चर्चा कार्यक्रम ग्रामीण विकास से जुड़ी हर योजना की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के साथ उनकी स्थिति भी बताएगा और स्मार्ट गांव क्यों स्मार्ट है ये आप हमारे स्मार्ट गांव कार्यक्रम में जानेंगे। कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम भी हैं, भाई मनोरंजन भी तो जरूरी है ना, तो ये जो हमारे कार्यक्रम हैं इनके बारे में भी आप देखिए कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है और आपके ऑप्शंस हैं ए गिर, बी मुर्रा, सी कश्मीर मेरोनी या डी जमुना पारी। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते शनिवार और रविवार सुबह 7:30 पर। अब दूरदर्शन किसान आपके पास घूमते फिरते भी पहुंचेगा और सीधे किसानों के बीच में ही पहुंचेगा और सिर्फ डीडी किसान ही नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारी भी साथ होंगे हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। कार्यक्रम में किसानों से कृषि ग्रामीण विकास संबंधित सवाल किए जाएंगे और सही जवाब देने वाले को डीडी किसान की ओर से पुरस्कार भी दिया जाएगा। देश के हर कोने से खेती किसानी की बातें आप तक पहुंचेंगी किसान समाचार में। हर गाँव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7:00। किसान समाचार में सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि उनका विश्लेषण भी होगा। किसानों, कारीगरों, गांव देहात की बात के साथ नीतियों का मंथन भी होगा विचार विमर्श में। मुद्दा एक, पानी की जो समस्या है। राय अनेक, कौन सी टेक्नोलॉजी से हम इंडस्ट्री में कम से कम पानी का प्रयोग करें। जब विशेषज्ञ बैठेंगे साथ, विषय विशेष पर होगी जमकर बात। भगवान कृष्ण इसलिए बलशाली थे कि वो देसी गाय का दूध और दही खाते थे। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो या फिर महिला किसानों के अधिकार की बात या कोई नई किस्म पर हो रहे बवाल, सभी आवाजों का मंच रहेगा विचार विमर्श। और हाँ, साथ रहेगा देश समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाता कार्यक्रम वाद संवाद। बात होगी तो संवाद होगा। देश के किसान को बदलते दौर के साथ बदलना होगा। संवाद होगा तो हल निकलेंगे। हर चीज को आजाद मंडी ना लाना पड़े। मुद्दों पर खुलकर हो बात। किसान अपनी जमीन को गिरवी रखकर ऋण नहीं ले सकता। वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। वाद संवाद कार्यक्रम में आए मेहमान खेती किसानी देश राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय तो बेबाकी से रखेंगे ही, साथ ही इन मुद्दों के राजनीतिक सरोकार भी समझे जाएंगे। अब और भी कई फूल सजे हैं इस गुलदस्ते में, तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर दूरदर्शन किसान के साथ। इस देश की बहुत बड़ी संख्या कृषि में व्यस्त है। कृषि उनकी जीवन शैली है, उनका व्यवसाय है, उनका जीवन है। यह आवश्यक है कि इस देश के किसानों को कृषि संबंधित सही जानकारी मिले। ये जानकारी बाजार की जानकारी है, कीमतों की जानकारी है, नई तकनीक के बारे में सूचनाएं हैं, मौसम के बारे में पूर्व आकलन और अनुमान क्या है इसकी जानकारी मिले। और टेलीविज़न के अतिरिक्त इससे कोई बेहतर माध्यम हो नहीं सकता, इसलिए 24 घंटे का एक चैनल
जो समर्पित है इस देश के किसानों के लिए, इस देश की कृषि के लिए, मैं अपनी शुभकामनाएं इस चैनल को देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस देश के किसानों का इससे अत्यंत लाभ होगा। दूरदर्शन का किसान चैनल शायद दुनिया का पहला चैनल है जो किसानों और गांव वालों को समर्पित है। एक अनोखा प्रयोग है जिसमें हम कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसान चैनल के लिए हमने कृषि वैज्ञानिक एजेंसियों से अग्रीमेंट किया है ताकि हमने चैनल के प्रोग्राम्स में कृषि विज्ञान से संबंधित नई जानकारी शामिल हो सके। इसका किसानों को खेतीबाड़ी में बहुत फायदा मिलेगा। प्रसार भारती की तरफ से मैं सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसान चैनल से जुड़े हर व्यक्ति और देश के हर नागरिक को दूरदर्शन किसान चैनल की बहुत बहुत बधाई। किसान चैनल हल के पीछे चलते व्यक्ति की आवाज बनेगा और कृषि विज्ञान तथा किसान के बीच पुल का काम करेगा। हमारा मकसद ही समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करना है और सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक बनाना है। पूरी किसान चैनल की टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश को दूरदर्शन किसान की बहुत बहुत बधाई। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक पल है जब किसानों को समर्पित 24 घंटे का चैनल लोक प्रसारक ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना किसान चैनल सिर्फ किसान का ही नहीं, कारीगरों, बुनकरों, भूमिहीन किसानों और लोक कलाओं से जुड़े लोगों का मंच बनेगा। पूरे किसान चैनल की टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।